सभी ऑडियंस को राधे राधे। मेरा नाम है सूरज शर्मा और मैं एक ट्रैवलर हूँ, और आज मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा उस गांव की ओर जो पहले पाकिस्तान में हुआ करता था, लेकिन 1971 के युद्ध के समय पाकिस्तान का ये गांव जब भारत का हिस्सा बना, तब कुछ लोग यहाँ के पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग भारत में रह गए। बाइक वगैरह कुछ नहीं दिख रही। ये जो जगह है ये दिल्ली से लगभग 1122 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है और इस जगह का नाम है त्याक्षी। त्याक्षी गांव भारत के लद्दाख में स्थित है और यहाँ की ज्यादातर आबादी मुसलमान है। मान्यता है कि इस इलाके के लोग आर्यनों के वंश हैं और बाल्टी भाषा बोलते हैं। बंटवारे के बाद गांव के लोग भारत आने से डरते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के दौरान कर्नल रिंचेन गांव में पहुंच गए। उन्होंने गांव के लोगों के मन से हर डर को दूर किया। दरअसल कर्नल रिंचेन तुरतुक और त्याक्षी गांव के नज़दीक के ही एक गांव के रहने वाले थे। उनके समझाने पर गांव के लोगों ने भारत के साथ आने का फैसला किया। तो आइए घूमते हैं ये प्यारा सा गांव जो कि तुरतुक से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर आकर मेरे को बहुत ज़्यादा बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी इस समय मैं हूँ, आप कह सकते हो मैं पाकिस्तान में हूँ, क्योंकि ये जो पहले पूरा हिस्सा था ये पाकिस्तान में हुआ करता था। अभी इस समय मैं हूँ त्याक्षी में, जो कि लेह सिटी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये देखो चेक पोस्ट, और यहाँ से पाकिस्तान ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे ना एक स्कूल है जो कि पहले पाकिस्तान में हुआ करता था, तो वो स्कूल देखने जा रहा हूँ। ये सारा जगह है ना, ये यहाँ से 8-10 किलोमीटर तक जो भी है पाकिस्तान में हुआ करता था, लेकिन अभी हमारे इंडिया में है। और यहाँ पे एक अंकल जी है, मैं उनसे मिलवाना चाहूँगा आपको। अंकल जी मतलब अंकल जी की उम्र 72 ईयर्स है। अंकल जी नमस्कार जी, आपकी हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार। आप कहाँ से? बस दिल्ली से। तो अंकल जी से मैं रात को मिला था। दिल्ली दूर। हाँ जी जी, आजकल दिल्ली नहीं हो गया। तो अंकल जी ने अपनी ना जो उम्र है, अंकल जी ने 20 साल पाकिस्तान में बिताए और 52 ईयर्स इंडिया में। ओके, आपको जब पाकिस्तान में थे आपको कैसा लगा था? अरे भाई साहब, जब जिस देश में जहाँ आदमी रहता है वो अच्छा रहता है। हाँ जी जी, एक मिसाल मैं आपको बताऊँ। चिड़िया जो है एक घोंसला होता है उनका, पहाड़ के बीच में जहाँ पानी आता है वहाँ वो गुलाब का वो लकड़ी होता है, गुलाब जी, होता जी, है। जी। वो टहने जो गुलाब का मतलब कंटा जैसा होता है ना। तो 1971 में जो वॉर हुई थी उसमें आप थे क्या? अरे मैं तो 1971 1963 की लड़ाई में भी था। अच्छा अच्छा, तो 1971 में भी यहाँ पर लड़ाई में मैं था। अच्छा, आपने सब अपनी आंखों से देखा। अब इसमें मैं आपको एक बताऊं। हाँ जी हाँ जी, हम सोया पाकिस्तान जगह हिंदुस्तान। अच्छा, तो आपने अपनी आंखों से मतलब देखा वो वॉर वगैरह? साल था मैं पूरे पाकिस्तान आर्मी के साथ भी यहाँ पे रहा। उसके बाद 1971 10 तारीख दिसंबर 10 तारीख को मैंने पाकिस्तान का एक वाइस आपको घोड़ा लेके यहाँ से आगे, आप बॉर्डर यहाँ थंग है, आगे खानू गाँव है, वहाँ लेके गया मैं घोड़ा घोड़ा सवार करके उनके टुआसी साहब को। ओके ओके, तो 1971 12 दिसंबर को अपने इंडिया के टुआई साहब को घोड़ा लेके पोस्ट पे चला। ओके, तो क्या आप अंदाजा लगाओ ना, एक दिन पाकिस्तान दूसरे दिन हिंदुस्तान, एक दिन पाकिस्तान दूसरे दिन हिंदुस्तान। बहुत अच्छा लगा। तो अभी फिलहाल मैं वो स्कूल देखने जा रहा हूँ आपके गांव में। आपको स्कूल के बारे में मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। अच्छा, स्कूल के बारे में बस मैं आज में ये स्कूल हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनाया। अच्छा, 1971 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनाया, 70 में बनाया स्कूल, तैयार हो गया। तो 1971 मार्च को, मार्च के महीने में स्कूल खोलने वाला था पाकिस्तान गवर्नमेंट। ओके ओके, तो इंडिया आर्मी आ गया यहाँ पर, कब्जा हो गया, हमें इंडिया के अंदर आ गया। हाँ। तो इसमें एक मिसाल ये है आपको, स्कूल बिल्डिंग बनाया पाकिस्तान, खोला हिंदुस्तान। अच्छा, मतलब जो मेरे साथी जो पढ़े थे पाकिस्तान में, पढ़ाई पाकिस्तान नौकरी हिंदुस्तान। अभी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ठीक है, गाँव में स्कूल बनाया पाकिस्तान ने, खोला हिंदुस्तान ने, पढ़ाई पढ़ाई जो करी पाकिस्तान में, नौकरी हिंदुस्तान। ये है बॉर्डर एरिया, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे एंट्री कराई है, रात को भी एंट्री कराई थी, और अभी यहाँ से मेरे को 2-2.5 किलोमीटर चलना है वो स्कूल देखने के लिए। तो आइए चलते हैं वो गांव देखते हैं, स्कूल देखते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है।
आज के व्लॉग में तो भाई ये देखो, ये पूरा जगह पहले पाकिस्तान में हुआ करता था, ये देखो पूरी जगह। गाइज अगर यहाँ पे आ रहे हो ना, मेरी एक एडवाइस है, जियो की सिम बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल मत लेना भाई, टावर ही नहीं है। 1% एक डंडा कहते हैं ना जिसे कि बंदा कॉल कर ले, उसका भी टावर नहीं है। वो देखो यहाँ पे बस खाली एयरटेल का टावर है, एयरटेल का, एयरटेल की लगे हुए हैं हर जगह, बताओ जियो का बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल। गांव कितनी दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तो चल के आ गया। कैसे, क्या नाम है? मोहम्मद सिराज। ओके हेलो, कितनी दूर है गांव? आप वहाँ से पैदल आते हो रोज? अब कहाँ जा रही हो, स्कूल? मतलब कितनी दूर है स्कूल? नीचे से गाड़ी में जाते हैं। अच्छा, नीचे से गाड़ी में रोज अप डाउन। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, सेहत बनेगी आपकी। हाँ, दिल्ली से पैदल है? हाँ दिल्ली से पैदल। नहीं पैदल तो नहीं, लिफ्ट मांग मांग कर आया हूँ लोगों से। हाँ चलो, ऑल द बेस्ट। कौन सी क्लास में? 9th में। और आप? 5th में। ओके चलो, बाय बाय। यहाँ पे जो लैंग्वेज भी बोली जाती है ना, वो है ना बाल्टी भाषा बोली जाती है। मतलब जो पाकिस्तान में भाषा बोली जाती है वो यहाँ पर भी बोली जाती है। तो अभी मैं यहाँ किसी से पूछूंगा कि वो थोड़ा कुछ बोल के दिखाए। तो यहाँ पे पाकिस्तानी लैंग्वेज भी बोली जाती है। और ये देखो, ये चारों तरफ खेती है। मतलब ये ना बस जहाँ जहाँ गाँव बसे हैं ना, वहाँ पे पेड़ है, हरियाली है और खेती हो रखी है। नहीं तो आप जितना भी देखेंगे बंजर पहाड़ है, पूरा का पूरा बंजर पहाड़ है भाई, कुछ भी नहीं है आसपास। और यहाँ तक है ना आने में, भैया अपनी गाड़ी से आओ तो बढ़िया है, मैं तो भैया लिफ्ट मांग के आया हूँ, हालत मेरी एकदम ख़राब हो रखी है। और ये देखो कितना सुंदर सा प्यारा सा गांव है। और यहाँ पे ना कल पूरा त्यौहार मना रहे थे, क्योंकि कल यहाँ पे सबका त्यौहार था, ईद मना रहे थे, कल ईद थी। तो अभी चलते हैं यहाँ पे जो स्कूल है, जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने बनाया था वो स्कूल को, लेकिन अब हमारे इंडिया ने खोला है उस स्कूल को। मतलब बनाया पाकिस्तान ने, खोला इंडिया वालों ने। पूरा गांव था, पूरा गांव क्रॉस कर दिया, लेकिन अभी तक स्कूल नहीं आया भाई। और गाइस जब भी आप यहां आओगे ना थ्याक्सी, आप एक बार सर्च करना गूगल मैप में तुरतुक विलेज, जो कि लेह सिटी से, लद्दाख में पड़ता है, लेह सिटी से लगभग 210-220 या उससे कम ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे आओगे ना आपको फील ही नहीं होगा कि आप इंडिया में हो भाई, एकदम ऐसा लगेगा कि आप पाकिस्तान में हो। और फील बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, लग नहीं रहा मैं इस समय इंडिया में हूँ। और चारों तरफ कुछ इस टाइप का प्यारा सा सुंदर सा नज़ारा है। और यहाँ पे देखो अभी के टाइम पे दिल्ली में गर्मी है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पे देखो ये गेहूँ की खेती है, और गेहूँ जैसा कि पता ही है शायद ठंडी में उगते हैं। तो ये देखो चारों तरफ गेहूँ है, और स्कूल अभी शायद थोड़ा सा और आगे है। तो अभी फ़िलहाल हम शायद पहुँच चुके हैं यहाँ पे, ये देखो ये शायद स्कूल है। और देखते हैं क्या है कंडीशन यहाँ की। और मुझे एक बात अभी भी बहुत फनी लग रही है, बनाया पाकिस्तान ने और खोला इंडिया वालों ने, ये बहुत यूनिक मतलब फ़नी लग रहा है मेरे को। और ये देखो ये है कुछ इस टाइप का स्कूल जो कि बनाया था पाकिस्तान ने, और रोहित लिखा हुआ है यहाँ पे, रोहित पंजाब लिखा हुआ है। और ये देखो ये होता है कुछ इस टाइप से अंदर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सुंदर। यार एक बात नहीं समझ, इतना छोटा सा कमरा है यार ये। ये देखो ये रहा बोर्ड, यहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे बनाते थे भैया, मस्त लगा है। ये ओपन नहीं है शायद, ओपन नहीं है, और बहुत ही छोटा सा रूम है। और यहाँ पर भी देखो ये यहाँ पे लोगों ने कमरा बना रखा है। थोड़ा सा डर सा लग रहा है, हॉन्टेड विलेज जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल है देखने के लायक। और ये देखो ये है भैया थ्याक्षी में, नूबरा थ्याक्षी लिखा हुआ है। और यहाँ पे लोग शायद हॉकी वगैरह खेल, ये फुटबॉल ही कहते हैं ना इसे, हॉकी क्या, नहीं हॉकी नहीं, वॉलीबॉल कहते हैं इसे। तो चारों तरफ कुछ इस टाइप का है नज़ारा। ये वाला हिंदुस्तान का है दीदी? ओके तो ये नीचे जाना पड़ेगा क्या? अच्छा ऐसे ऐसे इधर से, अच्छा ठीक है, थैंक यू दीदी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये वाला हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान ने बनाया, और वो वाला पाकिस्तान का है। तो ठीक है वो वाला देखते हैं चलो। वो ये भी स्कूल था ना, तो मुझे लगा यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, तो मुझे ये लगा।
तो गाइस सॉरी, एक गलती हो गई। ये जो स्कूल है ये हिंदुस्तान ने बनाया है, असली स्कूल भाई नीचे है थोड़ा सा। और यहाँ पे अभी एक दीदी मिली, यहाँ पे दीदी है। तो कहाँ से दीदी? ओके ओके ओके, अच्छा ये वाला, ठीक है दीदी, ओके ओके ओके। तो भाई ये वाला हिंदुस्तान का है, सॉरी यार भाई, कोई बताने वाला नहीं हो तो गलती हो जाती है। आसपास आपने देखा कुछ है नहीं तो, है ना, तो गलती हो जाती है यार, माफ़ कर दो मेरे को। मतलब ये भी यूनिक था यार, ये भी यूनिक था, मुझे पता ही नहीं था ये हिंदुस्तान का है। ये वाला स्कूल है हिंदुस्तान का, और ये वाला है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान ने बनाया है। वहाँ पर दीदी मिली, मैंने उनसे पूछा दीदी ये स्कूल है ना? दीदी ने बोला ये स्कूल तो है लेकिन ये हिंदुस्तान का है। तो ये वाला है पाकिस्तान का स्कूल। एक बार इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं अंदर तक चल के और देखते हैं। ये देखो पूरा भाई यूनिक है, ये वाला यूनिक है भाई, ये वाला है भाई। सॉरी गाइस, मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ, मेरे को पता नहीं है, आपको आप समझ सकते हो, कोई आसपास है नहीं बताने वाला तो हो जाती है गलती। और ये देखो ये है भैया, अब तो भाई पक्का कंफर्म ये है पाकिस्तान वालों ने जो बनाया ये स्कूल। ये भी वैसा ही है जैसा उधर था जो हिंदुस्तान के लोगों ने बनाया। वो ये बड़ा अच्छा बना रखा है देखो, मतलब बहुत प्यारा सा है। तो एक कमरा देखते हैं कि मतलब यहाँ पे जो लोग बैठते होंगे किस तरीके से बैठते होंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा सा कमरा है भाई। मतलब एक बेड आ जाएगा, बेड के बाद टीवी आ जाएगा, बस इतना छोटा सा कमरा है। पता नहीं टीचर्स कैसे पढ़ाते होंगे, बहुत ही ज़्यादा ये यूनिक है। तो चलो एक बार ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के आ जाए। ये भाई सॉरी गाइस, मैं तो अभी भी सॉरी मांग रहा हूँ आप लोगों से भाई। ये देखो ये रहा पूरा भाई साहब, क्या कमरा है यहाँ। अंदर आते ही एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है, और बाहर की साइड थोड़ी गर्मी है लेकिन अंदर की साइड थोड़ा ठंडा है। और रात में तो यहाँ ठंड हो जाती है, लेकिन अभी के टाइम तो दोपहर में धूप एकदम सर के ऊपर रहता है। तो चश्मा ये मैंने लगा रखा है, यहाँ जब भी आओगे तो चश्मा लेकर आना भाई, बिना चश्मे के मत आना, बिना चश्मा और हैट के। मतलब बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा। ये देखो ये है पूरा, चलो एक बार अंदर घूम के आते हैं। ये सुंदर है, ये देखो ये रहा भाई, मैं इसी चीज़ को तो ढूंढ रहा हूँ कब से। ये रहा भाई, ये रहा बाथरूम कुछ इस टाइप से, ये है टॉयलेट। और ये देखो कुछ इस टाइप के टॉयलेट होते हैं गाइस। मतलब यार बड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में, एक गड्ढा सा कर रखा है, उसी को टॉयलेट बना रखा है। और मैं यहाँ जब से आया हूँ मैं इसी ऐसी टॉयलेट को देख रहा हूँ भाई, कुछ नहीं है, बस ये गड्ढा सा बना रखा है, बस इसी को टॉयलेट कहते हैं यहाँ पे, ये पूरा ऐसे। और अभी ये है ना, फ़ोन गिर गया मेरा, तो स्क्रीन कार्ड होता है, स्क्रीन कार्ड टूट गया फ़ोन का, लेकिन भगवान की कृपा से स्क्रीन बच गई। तो एक चीज़ नोटिस करो, जहाँ जहाँ पे गांव है ना वहाँ पे सिर्फ हरियाली है, और जहाँ पे गांव नहीं है वहाँ पे हरियाली बिल्कुल नहीं है। ये देखो दूर दूर तक जहाँ हरियाली देख रहे हो सिर्फ वहाँ वहाँ गांव है, आप समझ जाओ। जहाँ पे हरियाली है वहाँ पे गांव है, आप समझ जाओ। और जहाँ पे हरियाली नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ इस टाइप से पूरा बंजर पहाड़ है, कुछ भी नहीं है। और वो देखो इधर बॉर्डर एरिया पूरा, शायद ये जो बर्फ़ का पहाड़ देख रहे हो ना आप, ये पूरा पाकिस्तान का है। यहाँ पे आपको डोंकीज ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे सामान ले जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी नमस्कार जी। तो ये देखो ये सारा यहाँ डोंकीज ज़्यादा पाले जाते हैं ना। हाँ जी, घर में दो तीन होता है। अच्छा हर घर में दो तीन है। अच्छा हर घर में दो तीन होता है यहाँ पे। चलो क्या नाम है आपका? हाथी अनुस। ओके आप बाल्टी भाषा बोलते हो ना? नहीं बोलते आप सर? बाल्टी भाषा बोलते हो ना सर? बाल्टी भाषा में कुछ बोल के दिखाएंगे आप अपने यहाँ का कुछ? बल्टी में हाँ यहाँ नई यूला क्या बोला आपने सर? मैंने ये कहा कि हमारे गांव में आपका स्वागत है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा आप यहाँ पूरा गांव में रहते हैं, तो आप सर पाकिस्तान में भी रहे हैं क्या पहले? ना मैं हमारे पूर्वज रहे थे। पूर्वज रहे थे, ओके। आपकी उतनी उम्र नहीं होगी उस समय। उस वक्त मैं 71 5-6 महीने के थे। अच्छा उस समय आप 5-6 महीने के थे जब ये पूरा इंडिया में आया, तो सर 5-6 महीने के थे मतलब पाकिस्तान में आप पैदा हुए कह सकते हैं। मैं सर दिल्ली से हूँ। हाँ जी हाँ जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, लैंग्वेज के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो भाई मस्त लोग बहुत अच्छे हैं, लोग सच्चे दिल से
दिल टच कर लेते, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। पास रास्ते में मस्जिद भी देखा? हाँ, सारा सब कुछ देखा जी, पूरा गांव वगैरह। गांव देखा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे मेरे को, बहुत अच्छे लोग हैं। रिस्पेक्ट वाले हैं, रिस्पेक्ट, चोरी बोरी नहीं होता। जी 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 जी, देख वहाँ ऊपर जहाँ गाड़ी रोकता है ना, हाँ, छोड़ के जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं, नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं। अभी बस तुरतुक विलेज की ओर जा रहा हूँ, फिर आगे लेक की तरफ जाऊँगा। नहीं, बॉर्डर में नहीं जी, नहीं नहीं, अभी मन नहीं है, नेक्स्ट टाइम, अभी अगले साल आऊँगा, अगली बार अपनी गाड़ी से ही आऊँगा, भगवान की कृपा रही। हाँ जी जी जी, मैं रेस्ट करता हूँ बस, आपके साथ वीडियो बना रहा था बस। जी जी जी, सब हो जाएगा। तो ये अंकल की दुकान है यहाँ पे, तो हाँ जी हाँ जी, दो घंटे लगे होंगे, दो ढाई घंटे बस, दो ढाई घंटे। हाँ जी 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 जी, तो ये यहाँ अंकल की दुकान है, यहाँ टैक्सी में जब आप चेक पोस्ट के पास आओगे ना गाइस, तो यहाँ पे साइड में अंकल की दुकान है। और अंकल आपका नाम? मेरा नाम हाजी अब्दुल कादिर। ओके ओके। एक है ना बेटा, यहाँ पर सब लोग बस हमारे से बातचीत करते हैं, तो बस अगला साल आएगा, ये 5 महीने के बाद आएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद भूल जाते। अरे नहीं 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 नहीं, मैंने सोचा आऊंगा तो मैं इस बार बाइक से एक बार ट्रिप बनाऊंगा। जी 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 जी, कल मेरे को एक चीज दी है यूनिक सी, ये क्या है अंकल? ये खुरमानी ड्राई फ्रूट है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये तो अखरोट है, ये तो अखरोट है। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा इसको इसको छिलके के साथ खाते हैं? ऐसे ऐसे उबाल के भी इसका जूस पीते हैं। अच्छा, पानी में उबाल के जूस पीते हैं इसका, दूर सफर करते हैं ना। अच्छा, हमारा ऊपर चढ़ाई में है। हाँ जी हाँ जी, खुबानी मुंह में डाल के जाने से जी जी आपको पता ही नहीं चलना था, थकावट बिल्कुल। अच्छा, इतनी पावर होती है, उसको ऐसे खाऊं क्या? ऐसे ऐसे तोड़ने की कोशिश मत करो। अच्छा अच्छा अच्छा, मुँह में रखो, जैसे मिठाई हम मुँह में रखते हैं। हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा, गलते जाए। इसके अंदर कुछ निकलेगा क्या? गुटली है, गुटली है। अच्छा अच्छा, तो गुटली को नहीं खाना? अंगूठी को तो बादाम तोड़ना है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर के वो निकल जाएगा ना। अच्छा, ये और क्या खाना? ये तो तवाई नहीं जा रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ स्ट्रेच होता है।